अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जी मिला मदर, आप देख रहे हैं वन ऑटो आर ऑनर। दोस्तों अगर आपकी टंकी में जो है ना बहुत ज़्यादा कचरा है, फिलहाल तो इसमें नहीं है, बहरहाल अगर आपकी टंकी में ज़्यादा कचरा है, बार बार जो है ना आपका कार्बेटर ओवर करने लग जाता है कचरे जाने की वजह से, तो आप उसको आर्जी तौर पर जो है ना टंकी साफ़ वगैरह करवाने कहते हैं, बाद में करवा लेंगे, तो आप उसके आर्जी तौर पर आप जो है ना इसको ये फ़िल्टर लगा लें। फ़िल्टर से जो है ना हमारा कचरा जो है ना आगे नहीं जाता, नीटल वाल में हमारे जाके नहीं फंसता, उससे फिर हमारा कार्बेटर ओवर वगैरह भी नहीं करता। तो अभी इसको जो है ये मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। तो फ़िल्टर किस तरीके से लगाना है आपने, बहुत ही आसान है। यहाँ से पाइप को करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो ये पाइप आपने उतार ही लेना है, ठीक है। पाइप उतार के ना ये एक साइड पे आपने इस तरीके से लगाना है और दूसरी साइड पे इस तरीके से लगाना है। ये हमारा लग गया, अभी इसको दरमियान से जो है ना पाइप को काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पाइप हमारा काट गया, सही है। तो ये आपने एक पाइप का सिरा जो है ना ये आपने जो है ना ऐसे करके लगाना है, सही है, इस तरीके से। यहाँ पे से एक मैगनेट सेगनेट होता है, कोई अगर कचरा वगैरह आता है तो मैगनेट अपने साथ लगा लेता है। ये आपने एक यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, ये लग गया। फिर आपने पेट्रोल को जो है ना ऑन कर लेना है, जब हमारा फ़िल्टर भरा जाए, ठीक है, भरा गया फ़िल्टर हमारा, ये पेट्रोल आने लग गया, तो अब इस पाइप को जो है ना आपने यहाँ पर सही तरीके से लगा देना है, ठीक हो गया। तो ये अभी जो है हमारा कचरा जो है ना टेंकी में जो कचरा आता है ना बाजवा, तो वो अब यहाँ से फ़िल्टर होके जो है हमारा कार्बेटर में जाएगा। अभी हमारा पेट्रोल जो है ना ओवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने इसका कार्बेटर वगैरह साफ़ कर दिया, वाश कर दिया है, तो फिर भी मैंने कहते आतन जो है ना फिर दोबारा ना जाए जल्दी, तो बचने के लिए जो है ना आप ताकि आपका कार्बेटर दोबारा सफाई ना करवाना पड़े, तो आप ये लगवा लें इसका एयर फ़िल्टर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।